नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टॉप फाइव में। तो आज हम बात करेंगे टॉप फाइव ग्लास ब्रिज मैन्युफैक्चरिंग इंडिया। सो लेट्स बिगिन। नंबर फाइव पे बात करते हैं केदारनाथ ग्लास ब्रिज के बारे में। इस ब्रिज का निर्माण रुद्रप्रयाग जिले में किया जाएगा और इस ग्लास ब्रिज को मंदाकिनी नदी के ऊपर बनाया जाएगा, जो कि रामबाड़ा और केदारनाथ को जोड़ने का काम करेगा। इस ब्रिज की लंबाई लगभग 80 मीटर की होगी और मंदाकिनी नदी से इसकी ऊंचाई लगभग 60 से 65 मीटर की होगी। इस ग्लास ब्रिज के निर्माण में लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह ब्रिज 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर चार पे है काकीनाडा ग्लास ब्रिज। इस ग्लास ब्रिज का निर्माण आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। इस ग्लास ब्रिज पर चलने पर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप पानी के ऊपर चल रहे हैं और इस ग्लास ब्रिज पर एक साथ लगभग 200 लोग रह सकते हैं। और काकीनाडा ग्लास ब्रिज को इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप किया जा रहा है, तो काकीनाडा बीच और काकीनाडा ग्लास ब्रिज इंटरनेशनल टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करेगा। काकीनाडा ग्लास ब्रिज के निर्माण में हाई क्वालिटी के ग्लासेस का और मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इस ग्लास ब्रिज के निर्माण में 2.47 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और 24 सितंबर 2018 को काकीनाडा ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। नंबर थ्री पे बात करेंगे राजगीर ग्लास ब्रिज के बारे में, जो बिहार राज्य में स्थित है। यह ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है और यह नालंदा नाम के जिले में स्थित है। इस ब्रिज का निर्माण राजगीर के जू सफारी पार्क में किया गया है। इस ग्लास ब्रिज की लंबाई लगभग 25.9 मीटर की है और इस ग्लास ब्रिज की चौड़ाई लगभग 6 फीट की है। इस ग्लास ब्रिज को लगभग 200 फीट के ऊंचाई पर बनाया गया है। इस ब्रिज पर लगभग एक बार में 40 लोग खड़े हो सकते हैं और एक साथ 12 लोग इस ब्रिज के अंतिम छोर पर खड़े हो सकते हैं, जिसको डी सेक्टर नाम दिया गया है। नेचर सफारी पार्क लगभग 500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और राजगीर ग्लास ब्रिज इसी पार्क का एक हिस्सा है। मार्च 2021 इसे आम नागरिक और टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाएगा। इस ग्लास ब्रिज में लगे शीशे की मोटाई लगभग 45 मिलीमीटर है। जू सफारी पार्क और नेचर सफारी पार्क का निर्माण लगभग 60 करोड़ रुपए में किया जाएगा और इस राशि में राजगीर ग्लास ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी है। नंबर टू की बात करते हैं केलिंग ग्लास ब्रिज के बारे में, जिसका निर्माण सिक्किम राज्य में किया गया है। यह ग्लास ब्रिज एक ऑपरेशनल ग्लास ब्रिज है। इसका निर्माण केलिंग हिल स्टेशन में किया गया है। यह करीब समुद्र से 7200 फीट के ऊंचाई पर है और यहीं पर ही गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, जो कि 132 फीट मीटर लंबी है। हर साल देश विदेश से इस प्रतिमा को देखने के लिए लाखों पर्यटक आते हैं। इसी प्रतिमा के सामने इस ब्रिज का निर्माण किया गया है ताकि यहां से गौतम बुद्ध की प्रतिमा को देखने का अनुभव प्राप्त किया जा सके। इस ग्लास ब्रिज को सिक्किम स्काई वॉक के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्लास ब्रिज की लंबाई लगभग 61 मीटर है। नंबर वन पे बात करेंगे ऋषिकेश ग्लास ब्रिज के बारे में। इस ग्लास ब्रिज का निर्माण उत्तराखंड राज्य में किया जा रहा है। इस ग्लास ब्रिज का निर्माण गंगा नदी के ऊपर किया जा रहा है और यह ग्लास ब्रिज लक्ष्मण झूला को रिप्लेस करेगा। लक्ष्मण झूला लगभग 90 साल से पुराना हो चुका है और सुरक्षा के हिसाब से लक्ष्मण झूला को 2019 में बंद कर दिया गया और इसके रिप्लेसमेंट्स के रूप में ऋषिकेश ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यह ग्लास ब्रिज अपने आप में एक अनोखा ग्लास ब्रिज होगा। यह ग्लास ब्रिज लगभग 132.2 मीटर की होगी और यह करीब 8 मीटर चौड़ी होगी। इस ब्रिज में इस्तेमाल किए गए एक ग्लास फ्लोर की लंबाई 1.5 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर की होगी और हर एक ग्लास फ्लोर 3.5 मीटर का थिक होगा
और यह ब्रिज का एक एक पिलर 30 मीटर की गहराई तक होगा। इस ब्रिज का निर्माण लगभग 150 साल के समय अवधि के लिए किया गया है।